मोदी बोले, यूपी को कभी बीमारू राज्य कहते थे, आज एक आशा एक उम्मीद बन चुका है। यूपी में 75,000 करोड़ का निवेश करेंगे अंबानी, हर गांव में 5G और जियो स्कूल की सौगात। प्रकारांतर से PHU प्रशासन ने मानी अनियमितता, 500 छात्रों का किया नामांकन निरस्त। हाजी इरशाद अली ने कर दिया कमाल, 2 मीटर कपड़े पर लिखी हनुमान चालीसा। इन्वेस्टर मीट जनता के साथ धोखा, अखिलेश ने साधा भाजपा पर निशाना, बोले गंगा सफाई के नाम पर पानी में बह गया पैसा। अनुमति मिली तो खत्म हो गई बैंक गारंटी, कैसे हो कैंसर का सटीक उपचार, अभी लग सकते हैं 6 माह। दहेज की मांग को लेकर गर्भवती महिला को पीट कर घर से निकाला, पेट में पल रहे बच्चे की मौत। बाइक में कार लगने पर 2 समुदाय आपस में भिड़े, कई घायल। दो दोस्तों ने 10,000 रुपए के विवाद में किया था कत्ल, बोरे में बंद कर जलाई लाश ताकि ना हो सके शिनाख्त। रेरा की बकायेदारी पर मंगलम निकेतन प्रोजेक्ट पर बड़ी कार्रवाई, 500 फ्लैट में लगी सील। सजीर इमाम सहित अन्य को बरी करने के फैसले के खिलाफ SC पहुंची दिल्ली पुलिस, 13 को होगी सुनवाई। ब्रह्मा कुमारी के गुरुग्राम सेंटर में महिलाओं से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रोटोकॉल तोड़कर की बातें। दुष्कर्म मामले में हाई कोर्ट को शक, कहा घटना के दौरान पीड़िता ने बनाया अपना वीडियो, ये कैसे संभव। मुंबई में पत्रकारों का विरोध प्रदर्शन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग। 3,000 किलोमीटर चलने से सिर्फ दाढ़ी बढ़ती है, बुद्धि नहीं, गुजरात के गृह मंत्री का राहुल गांधी पर तीखा हमला। विराट की गलती के चलते रन आउट होने से बाल बाल बचे रोहित, कोहली ने तुरंत ऐसे मांगी माफी। रोहित शर्मा ने शतक जड़कर रचा इतिहास, बन गए ऐसे पहले भारतीय कप्तान। ऑस्ट्रेलिया टीम की बड़ी मुश्किलें, स्टेडियम से सीधा अस्पताल पहुंचा ये कंगारू बल्लेबाज। T20 क्रिकेट में भारत के सामने फिसड्डी साबित हुई पाकिस्तानी महिलाएं, जाने हेड टू हेड रिकॉर्ड। टीम इंडिया के फैंस का बढ़ सकता है इंतजार, जसप्रीत बुमराह की हेल्थ पर आई बड़ी अपडेट।